अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का व्लॉग है मेरी कैट पे, तो मिलते हैं पेबल से। पेबल्स जब हमारे घर आया था तब वो जस्ट 14-15 डेज़ के थे, और ये तब भी बहुत एक्टिव था माशाल्लाह। और मेरी बेटी टोटली क्रेज़ी हो गई थी इसको देख के, मतलब जब वो सुबह उठी तो ये था, और उसे कुछ नहीं चाहिए था उसके अलावा। हर सारा टाइम ये उसी के साथ बैठी रही। नेक्स्ट डे भी, मतलब आज तक भी मेरा को मतलब पैबल के साथ ही रहना है हर वक्त। वो इतनी क्रेज़ी है, उसके मुंह के साथ मुंह रख के लेट जाती है। पैबल्स हमने अपनी नीस को सरप्राइज़ देने के लिए बुलवाया था उसकी बर्थडे पे, इस तरह हमने उसे गिफ्ट दिया था पेबल को, क्योंकि उसे कैट्स बहुत ही पसंद हैं। पेबल्स ने भी बहुत बर्थडे इंजॉय किया, और टसल टाइप चीज़ उसको बहुत अच्छी लगती है, और उस साथ बहुत ज़्यादा प्ले करता है ये, और कहीं पे भी सो जाता है, खुशों में, सोफे पे, कहीं पे भी। लेकिन वो अपने हाउस में नहीं सोता, आज तक भी नहीं सोता, क्योंकि उसे कहीं पे भी सोना अपनी मर्ज़ी से अच्छा लगता है, उसको अपना प्रॉपर जगह उसे पसंद नहीं है। पेबल्स जब आया था तब से ही बहुत एक्टिव था, और ये बिल्कुल भी मासूम नहीं कह मिनी सकते इसको, बहुत पेबल्स, एक्टिव एंड बस वाइल्ड है। मारो मत। ये बाइट्स भी बहुत करता है, स्क्रैचेस भी बहुत करता है, और अभी तक भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इसे हम बिल्कुल भी मासूम बिल्ला नहीं कह सकते। और ये इतना स्क्रैच करता है और इतना ये बाइट करता है, इसको इसके प्ले करने का इसको यही अंदाज़ है, और जब भी इसके साथ प्ले करो ये हमेशा रेडी रहता है। टॉय जब मैंने इसको दिया था बहुत ही मज़े का सीन था, वो मुझसे वीडियो मिस हो गई है। पेबल वाज रियली एक्साइटेड टू कि ये एक और बिल्ली कहाँ से आ गई है, और मिरर के आगे भी जब ये छोटा था तो इसी तरह रिएक्ट करता था। इसकी आईज़ आपने देखी हैं, ये बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर की हैं। इनकी कैट्स की आईज़ गंदी भी हो जाती हैं, फिर उसे वेट कॉटन से हम साफ़ कर देते हैं तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। और ये अपने विजिट्स पे भी जाता है, उसका मैं ब्लॉग आपसे अलग से शेयर करूँगी। और ये देखें, जूतों में, खुशों में सोना इसको जब छोटा था बहुत पसंद था। और जी, कोई कोना और कोई जगह पेबल्स के बगैर घर में नहीं है। ये बर्ड्स को भी नहीं छोड़ता, इनको बहुत तंग करता है, और वो बहुत डरते हैं पेबल्स से। यहाँ पे आप व्यूअर्स देखें कि पेबल्स के इतने ज़्यादा बाल नहीं, और यहाँ पे देखें कितने हैं। ये हमने इसका फूड स्विच किया था, उसकी मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, कि उसके बाद इसके बाल कैसे ज़्यादा हुए, क्योंकि इसकी ब्रीड पर्शियन है तो इसके बाल ज़्यादा होते हैं इन कैट्स के, तो उसके बाद इसके बाल सही से ग्रो हुए। कैट्स स्क्रैच बहुत करते हैं, तो इसने पेबल्स ने काफ़ी हमारे लव यू।
जो सोफे हैं ख़राब कर दिए हुए हैं, लेकिन इनकी ये आदत ज़रा कॉमन होती है, इनको मना करो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाती है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत छोटी एज से आया था तो इसको हमने सिखाया है सारा सब कुछ, तो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। इनकी केयर बिल्कुल ह्यूमन किड की तरह करनी पड़ती है और बहुत ख्याल भी रखना पड़ता है। और ये है पेबल का हाउस जिसमें वो नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, और अगर इनको बंद कर दो ज़बरदस्ती तो ये बहुत गु़स्सा करते हैं। पेबल्स बेसिकली लेस कैट है और मोर लायन है, तो हम इसे सिम्बा कहते हैं, और जब इसका सिम्बा मोड ऑन होता है तो ये फिर माशाल्लाह से किसी को भी नहीं देखते हैं, इधर उधर भागना, स्क्रैच करना, सेम एक्ट लाइक अ सिम्बा, तो हम इसे कभी कभी सिम्बा भी कहते हैं। सो व्यूअर्स, आई विल बी बैक विद अनदर ब्लॉग ऑफ पेबल्स वेरी सून। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।